तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बिहार से दिल्ली के लिए निकल गए हैं और मैं और मेरे साथ है मेरी प्यारी सी जिम्मी, जो कि अब हर एक वीडियो में आपको नज़र आने वाली है। तो अभी फ़िलहाल हम अपने गांव से ही निकले हैं। गांव का रोड थोड़ा ऑफ रोडिंग होता है, NH पे जा कर के फिर हम आराम से मैं अपनी जिम्मी की एक बार आपको पिक दिखाता हूँ कि वो कैसे पीछे बैठी है आराम से खिड़की खोल के। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो जो भी बनाऊं और आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती रहती है और फिर और वीडियो बनाने का मेरा मन करता रहता है। और ज़्यादातर वीडियो जो हमारा बनता है वो आउट ऑफ दिल्ली का ही बनेगा। कम से कम 500 किलोमीटर, मतलब नियम है कि 250 किलोमीटर तो कंफर्म है ही कि हर एक वीडियो हमारा जो जाएगा वो 250 किलोमीटर तक जाएगा, उससे कम जाना ही नहीं है। तो एक बार और फिर से कहता हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बाद बाकी हम चलते चलते और फिर बात करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं दरभंगा और यहाँ पे मेरे साथ बैठी है आगे जिम्मी। और यहाँ से दरभंगा हमें पहुँचने में 2 घंटा पूरे लग गए। और ये देखो जिम्मी बिल्कुल मज़े से बैठी है, AC का हवा खा रही है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जिम्मी, ए जिम्मी, आप बिल्कुल मस्त मोले में अपना बैठी हुई है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे भी थोड़ा सा स्टॉपिस करते हुए जाएंगे क्योंकि जिम्मी का फर्स्ट टाइम 1200 किलोमीटर का सफ़र रहेगा, क्योंकि ये एक ही बार आई है जब काफ़ी छोटा सा था, 3 मंथ्स का था जब ये हमारे साथ आई है जी। हेलो जिम्मी, हेलो बोलो सारे सब्सक्राइबर को, इधर देख इधर। बिल्कुल भी अभी मस्त, ये देखो मस्त बिल्कुल मज़े ले रही है, अभी इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बाद बाकी चलते गए, रुकेंगे आराम से, इसको भी कुछ इस पेटू में खाना खिलाएंगे और हम भी फिर कुछ खाते पीते हैं और चलते चलते भी बात करते हैं, बाद बाकी का आगे का सफ़र का मज़ा लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं, ट्रेन आने वाली है यहाँ पे, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हम हैं अभी दरभंगा, मैं एंट्री कर गए हैं। ये सदस्यों से वाला रूट है, अंग्रेजी से आके संपर्क करें। ये जन्माष्टमी का देख रहे हैं, जन्माष्टमी किस तरीके से सजा हुआ है, ये सारे जन्माष्टमी के लिए सजा हुआ है। ये सब जन्माष्टमी के लिए सजा हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं मुजफ्फरपुर से और अभी बज रहे हैं 9:08 बजे। हम दरभंगा में थे और 9 बजे हम मुजफ्फरपुर आके पहुंच गए और यहां से हमारा जो सफ़र होगा गोपालगंज के लिए होगा। और ये देख रहे हैं हमारे साथ जिम्मी भी पूरा बिल्कुल मज़े लेते हुए सफ़र का। हेलो बोलो जिम्मी, हेलो सारे सब्सक्राइबर को बोलो, सारे हेलो बोलो। बिल्कुल ये कह रहे हैं मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। और 5000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मैंने सोच के रखा है। सरप्राइज़ आपको हमेशा मिलता ही रहता है, जो कि हमारा सबसे कीमती चीज़ है सरप्राइज़, वो है अचानक से कोई भी प्लान बनाना। तो ये हमारा कार से लास्ट ट्रिप होगा, उसके बाद हमारा जो भी ट्रिप होने वाला है वो सारे हिल स्टेशन का होगा विद R15M के साथ, या हो सकता है BMW 310R के साथ,
जो कि आप सब के लिए एक सरप्राइज रहने वाला है। कब आएगी, नहीं आएगी, कौन सा कलर है और कौन सी जगह से हम निकाल रहे हैं, ये सारे जिमी के लिए भी सरप्राइज है और आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है। तो बाद बाकी हम गोपालगंज देखते हैं, गोपालगंज कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में। गोपालगंज हम चलते हैं और गोपालगंज जा करके मैं आपसे बात करता हूँ। तो पिपरा कोठी से निकल गए हम और ये देखो जिमी को आराम से लेटी हुई है। इसको ऐसे ही नींद आती है, अपना सर जो है मेरे पैर पे रख के आराम से सो रही है। अभी हम दोनों ने हल्का हल्का सा रिफ्रेशमेंट लिए हैं क्योंकि ट्रैवल में हैं, ज़्यादा हैवी खाना भी खाना सही नहीं है। और ख़ास कर तो ये जिमी को, क्योंकि इसको जब छोटा भी था, जब ये तीन महीने की थी, जब इसको लेके जा रहे थे हम सब, तो इसको वॉमिटिंग हो गया था ज़्यादा हैवी खाना खाने से। तो इसीलिए डॉक्टर से हमने पूछ भी लिया तो उन्होंने बोला ट्रैवल में इनको नॉर्मली आप खाना ज़्यादातर दही दीजिए ताकि इस बिल्कुल ठीक रहेगी और आराम से देख लो नींद ले रही है ये भी खूब मज़े से। आंसू भी आ रहे हैं इसको, घर छोड़ के इतना दूर जाना पड़ रहा है, सारे लोगों की याद आ रही है, बहुत रो भी रही है। अभी तो आंसू देख भी नहीं पाऊँ क्योंकि अंधेरा है, मैंने फ़िलहाल लाइट ऑन करके वो कर रहा है। बाकी तो चलते हैं आगे, जो भी है हम बात कर ही लेते हैं। पहुंच गए गोरखपुर और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज गए हैं 3। बीच में हम रेस्ट कर लिए थे 1 घंटा पूरे, यानी कि 1 से 2 हम रेस्ट किए। और उसके बाद हम कंटिन्यू चल रहे हैं अब, और यहाँ से लखनऊ समथिंग 270-275 किलोमीटर है, यानी कि 7 बजे तक हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। 7 बजे तक लखनऊ और 3-4 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। हाँ, 4 बजे हमारा लास्ट वो है, ज़रूरी नहीं है कि हम 4 बजे पहुंच जाए, अगर बीच में हमें रुकना होगा तो हम रेस्ट भी कर लेंगे। अगर ज़्यादा ऐसा महसूस हुआ नींद टाइप का आ रहा हो या ज़्यादा थकान हो गया हो या जिमी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ हम सोच रहे हैं आराम से रेस्ट कर ले, उसके बाद आगे का कंटिन्यू ड्राइव करेंगे। तो अब हम मिलते हैं सीधा लखनऊ में, एक ही बार लखनऊ जाएंगे, उसके बाद हम वहीं पे मिलते हैं। और रात को सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सेफली ड्राइव करिए, ज़्यादा ट्रक वालों से पंगा ना लेना, बार बार डीपर मत मारना, क्योंकि ट्रक वाले रात को ना 1-2 बार डीपर मार दो अपने आप भाई साहब, अपने आप ये ऑटोमेटिक साइड दे देगा। हाँ, अगर इनके पास रास्ता जैसे आगे कोई गाड़ी हो, ठीक है, या जगह कम होती है तो ये थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट करो, नहीं तो बार बार डीपर चलाते जाओ, ट्रक वाला भी परेशान, तुम भी परेशान। तो अभी तक जितना भी हम ड्राइव किए हैं सारा सेफली हुआ है, ज़्यादा ओवरटेकिंग भी नहीं, ज़्यादा स्पीड भी नहीं, अपने आराम से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो उस हिसाब से आप ड्राइव करते रहिए, बाद बाकी आप भी सेफ और दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लखनऊ से पहले हम कहीं आराम से 1-2 घंटा और रेस्ट कर लें, उसके बाद आराम से हम दिल्ली पहुँचे, क्योंकि हम जो दिल्ली पहुंचने का टारगेट रख रखे वो 8 बजे तक, यानी कि कल शाम को 8 बजे तक हम आराम से बिंदास होके पहुंचे, तो उस हिसाब से हम रख रखे हैं। बाद बाकी हम लखनऊ जाके ही अब बात करते हैं।